नमस्कार, एनसीआर टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। चलिए फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उधर फरीदाबाद में रोडवेज कर्मचारी एस्मा कानून के विरोध में हड़ताल करने वाले थे, लेकिन फरीदाबाद रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल बेअसर साबित हुई। यहां रोज की तरह हरियाणा रोडवेज की बसें दौड़ती नजर आई। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा, जहाँ बल्लभगढ़ से करीब 40 बसें नियमित समय से चली, वहीं बस अड्डा सुपरवाइजर नेपाल सिंह का कहना है कि कर्मचारी हड़ताल के लिए आए ही नहीं। हड़ताल नहीं है, सुबह से ही गाड़ियाँ चली हुई हैं। पहली गाड़ी सुबह 3 बजे चंडीगढ़ गई थी, उसके बाद सारे टाइम जा रहे हैं। अभी तक करीब 40 गाड़ियाँ अभी तक निकल गई है सिटी और मैन बिल्कुल। सर, जो हड़ताल वाले कर्मचारी थे, क्या मांगी थी उनकी जो हड़ताल इसलिए कर रहे थे? उनकी मांगे थी जो ये 900 प्राइवेट गाड़ी आ रही हैं और उनमें ड्राइवर तो प्राइवेट होगा, कंडक्टर सरकारी होगा और उनको उनके एक फिक्स पैसे होंगे हर रूट के अलग अलग। अगर इतने पैसे तो प्राइवेट वालों को देने ही देने, बाकी आए कमाओ या ज़्यादा आओ, कमाओ जब भी उनको वो पैसे देने और ज़्यादा आओ जब भी वो फिक्स रेट से आ रही है। तो उस चक्कर में थी ये हड़ताल। तो आज हमारे जो ये कर्मचारी साथी हैं यूनियन वाले, वो सुबह कोई नहीं आया। हालांकि मौके पर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के एसडीएम भी मौजूद रहे और हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक भी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांग थी कि सरकार का प्राइवेट ड्राइवर के हाथों 900 बसों को चलाने की पॉलिसी का विरोध करना था। बस अड्डा सुपरवाइजर का ये भी कहना है कि एक दिन भी फरीदाबाद बस अड्डा से बस से नहीं चलती तो करीब 1,20,000 रुपए का नुकसान हो जाता। हड़ताल होती तो 8-12 लाख के करीब नुकसान हो जाता। प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों के चलते पुलिस प्रशासन का भी बस अड्डे पर इंतजाम किया। पुलिसकर्मी रात भर वहीं बस अड्डे पर डटे रहे। फरीदाबाद से प्रेम खान की रिपोर्ट।